दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 248 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे दोस्तों टेंशन और 15 टन के दरमियान फाइट सिर्फ एक ही एपिसोड में खत्म होने वाला था, लेकिन पता नहीं स्टूडियो वालों ने इस एपिसोड को दो पार्ट में बांटा हुआ है, इसलिए आपको आने वाली एपिसोड में उतना ज्यादा फाइट देखने को नहीं मिलेगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जो कि 15 टन एंट्स के सामने खड़ा होता है और उसी के साथ ही कहता है, मैंने आज से पहले इतनी बड़ी एंट एम्परर को कभी नहीं देखा है और इनकी साइज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सारे 100,000 ईयर्स के सोल बिस्ट है, इसलिए मुझे सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि यह मुझसे कई गुना ताकतवर हो सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो सारे 15 टन एंट्स टेंशन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर टेंशन तुरंत ही अपनी ब्लू सिल्वर डोमिन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सारे एंट्स एम्परर की बॉडी स्लो हो जाता है। ये देखकर तुरंत ही टेंशन अपनी ब्लू सिल्वर वेब्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बांध लेता है। उसके बाद अपनी सी गॉड ट्राइडेंट की मदद से उन एंट्स को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एंट्स एम्परर फिर से टेंशन को ही खींचने लगते हैं। ये देखकर टेंशन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, इवन कि मेरी खुद का वजन ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी सी गॉड ट्राइडेंट की वजन 108,000 जिन बारी है, मगर फिर भी यह एंट्स एम्परर इतनी भारी वस्तु को खींच रहे हैं। सच में 15 टन एंट्स के पावर बहुत ही ज्यादा है और साथ ही यह सभी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। वही दूसरी तरफ एंट्स एम्परर भी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक पहाड़ों को खींच रहे हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं इस धमाके के कारण बड़े बड़े पत्थर और पेड़ टेंशन उड़ाने लगती है। ये देखकर टेंशन कहता है, इस बार एंट्स एम्परर के विस्फोटक शक्ति 300,000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और इसी के साथ ही टेंशन इनकी अटैक से दोबारा से बच जाता है। ये देखकर एंट्स एम्परर दोबारा से टेंशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही इसी समय टेंशन एक प्लान बनाता है, जिसके साथ ही टेंशन स्पीड से फ्लाइंग करते हुए एक गिरने वाली बड़ी सी पत्थर के ऊपर चला जाता है। जैसे ही एंट्स एम्परर टेंशन के करीब आते हैं, उसी के साथ ही टेंशन अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को उस पत्थर के अंदर घुसा देता है और साथ ही जल्दी से अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन की ग्रेविटी कंट्रोल को यूज करता है। इससे उस ट्राइडेंट का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। वही इस बड़ी सी पत्थर के नीचे आकर सभी एंट्स एम्परर फंस जाते हैं। ये देखकर टेंशन को लगने लगता है कि वह मारे गए होंगे, लेकिन तभी एंट्स एम्परर जमीन को खोदते हुए ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर टेंशन दोबारा से चौंक जाता है और उसी के साथ ही कहता है, ये सभी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इवन कि यह मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक से भी आसानी से बच चुके हैं। वही दूसरी तरफ एंट्स एम्परर दोबारा से टेंशन पर अटैक करने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद दो एंट्स एम्परर टेंशन के ऊपर आगे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही तीसरा एंट एम्परर टेंशन के पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे टेंशन को इनकी प्लानिंग के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह सामने आने वाली दो एंट्स एम्परर को ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरा एंट एम्परर टेंशन के पीछे से प्रकट होकर उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर टेंशन तुरंत ही अपनी 8 स्पाइडर लांस को बाहर निकाल लेता है और उसकी अटैक से खुद को आसानी से बचाता है और उसी के साथ ही टेंशन अपनी 8 स्पाइडर लांस के मदद से उनकी ऊपर अटैक करने लगता है। वैसे दोस्तों स्पाइडर को मारने की वजह से 8 स्पाइडर लांस के पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और ये एवोल्यूशन होकर गॉड लेवल के स्पाइडर बन चुके हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं 8 स्पाइडर लांस के अटैक के अंदर 15 टन एंट पूरी तरह से फंस जाता है और उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन 8 स्पाइडर लांस के ट्रेड्स एनर्जी से बना हुआ था, इसी वजह से वह खुद को बचा नहीं पाती है और उसी के साथ ही टेंशन उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। जिसके साथ ही इसके अगले सीन में हम देखते हैं सारे एंट एम्परर्स दोबारा से उठकर टेंशन पर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन इनकी अटैक को टेंशन होल्ड नहीं कर पाता, जिससे वह नीचे गिर जाता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही टेंशन नीचे गिरता है, उसी के साथ ही हम देखते हैं वो एक अलग ही जगह पर आ चुका था
जहां पर आते ही टेंशन उठकर खड़ा हो जाता है और उसी के साथ ही दोबारा से एंड एम्परस टेंशन पर एक अजीब सी एबिलिटी का यूज करते हुए अटैक करते हैं। वैसे मुझे इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यह एंड एम्परस का नई एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक अलग ही दुनिया को क्रिएट किया है। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं टेंशन इस अटैक का सामना नहीं कर पाता जिससे वो काफी हद तक घायल हो जाता है। इवन की उनकी सी गॉड ट्राइडेंट भी नीचे गिर जाता है और उसी के साथ ही टेंशन को लगने लगता है कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी टेंशन डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी हैमर का यूज करते हुए इन एंड एम्परर्स हराने के लिए अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। तभी हम इसकी अगले सीन में देखते हैं टेंशन अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। वैसे ये टेक्निक द ग्रेट सुमेरु हैमर था। इनका यूज करते हुए टेंशन एंड एम्परर्स को बहुत ही आसानी से मार देगा और उसकी सोल रिंग को भी आसानी से अब्सॉर्ब कर लेगा। और इतना कहते ही आज का हमारे ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।